उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी ने वीवी की उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने 17 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले एक साल में वीवी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। कुलपति ने वीवी को भविष्य की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बताया और कहा कि एक कमरे से शुरू हुआ विश्वविद्यालय आज अपने भव्य संरचना में स्थापित हो चुका है, जहाँ वर्तमान में लगभग 300 स्थायी और अस्थायी शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यरत है, जिससे वीवी को नेक की मान्यता प्राप्त हुई है और वीवी 12B के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हुआ है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा 800 से अधिक कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में से उत्तराखंड मुक्त वीवी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सराहनीय कार्य किया उसके लिए हमने पुरस्कार दिया। जागरूकता नहीं है, हमारा तो प्रयास, हमारे यहाँ जो एक वोकेशनल स्टडीज का पूरा एक विद्या शाखा है और हम ये हमेशा चाहते हैं कि भाई हमारे पास उसमें कम से कम 50 कोर्सेज हैं जिसमें डिप्लोमा भी हैं, लोग कहीं भी हैं अपने साथ उनको कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप लोग भी हैं, जैसे भी हैं, जो जब कोई भी हमें सुझाव देता है तो हम हर चीज़ के डिप्लोमा खोलने को तैयार है उसमें, ताकि लोगों को घर बैठे जो स्किल मिल सके। कोर्सेज पर हमारे डे बाई डे हम नए नए कोर्सेज खोलते रहते हैं, क्योंकि मेन जो कोर्सेज होते हैं कोर्सेज तो बीएमए के हैं, तो मैंने कहा कि मिलिट्री साइंस में हम लोग जल्दी बहुत जल्दी कोर्स के तैयारी में हैं।